सतना शहर में स्थानीय पुलिस डॉक्टर्स की मेडिकल टीम व पुलिस कोरोना फाइटर द्वारा की गई दूसरे दिन भी मॉक ड्रिल। सतना जिले में पहुंचे नगर भ्रमण पर रीवा कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव और रीवा रेंज आईजी चंचल शेखर शहर के विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर स्थितियों का जायजा लेने पहुंचे। कलेक्टर अजय कटेसरिया, पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल, नगर निगम आयुक्त अमनवीर सिंह बैस सहित जिले के अन्य प्रशासनिक पुलिस अधिकारी भी गढ़िया टोला मॉक ड्रिल के समय आज रहे मौजूद। पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन एवं डॉक्टर्स की मेडिकल टीम की उपस्थिति में की कार्रवाई। मॉक ड्रिल का उद्देश्य पुलिस एवं मेडिकल टीम द्वारा पूरी सुरक्षा के साथ सावधानी रखते हुए कोरोना पीड़ित व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल तक पहुंचाना है। पुलिस कोरोना करीबी संपर्क टीम बायोमेडिकल किट के साथ पीड़ित परिवार के सदस्यों को अलग करने, संक्रमित घर को सील साफ करने की मॉक ड्रिल करती है। स्थानीय पुलिस द्वारा करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र की नाकाबंदी की जाती है। किट पहनने का अभ्यास, अलग अलग वाहनों का उपयोग, किट हटाने की कवायद, पुलिस लाइन में कोरोना का नजदीकी संपर्क टीम के आइसोलेशन की कार्रवाई, वाहनों की सफाई, अलगाव अस्पताल की रखवाली, प्राथमिक माध्यमिक संपर्कों और उनके क्वारंटाइन आदि की पहचान कर सभी तरह से अभ्यास किया गया। सैंपल भेजेंगे अगर पॉजिटिव निकलता है तो फिर इनको फिर से आइसोलेशन करेंगे। अगर निगेटिव निकलेगा सर तो इनको फिर होम क्वारंटाइन में लेंगे, फिर वहां नहीं रखेंगे। कंटेनमेंट एरिया कहलाएगी सर, 3 किलोमीटर की एरिया सराउंडिंग, उस एरिया में जिसने उस जो पेशेंट है जहाँ बता देना, ट्राई लेकर के सबको, जनता को डराना नहीं है। दूसरी चीज जो है, जो घर को सील करना है, नगर निगम टीम आएगा डी सैनिटेशन के लिए, घर को मतलब दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हर इमरजेंसी में पूरी जो सुरक्षा के साधन है उसको शासन प्रशासन के माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश उनका अच्छा से पालन करें, अपने घरों में बने रहें, सुरक्षित सामाजिक दूरी बना के रखें, खांसते छींकते वक्त मुंह पर रुमाल रखें या टिश्यू पेपर रखें और उसका उपयोग करने के बाद उसे डस्टबिन में डाल दें। किसी भी तरह से अत्यावश्यक निर्मित करने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक वैश्विक महामारी है और ये सभी की सबसे बड़ी स्वास्थ्य के लिए चुनौती और सुरक्षा की समस्या है।
इसका कोई अब तक इलाज नहीं है, ना कोई टीका है, ना कोई दवा है। इसका इलाज यह है कि हम सतर्कता बरतें, सावधानी बरतें और जो निर्देश जो गाइडलाइन है उसका पूरा पूरा पालन करें, तो हम ये कोरोना वायरस की जो जंग है, इसके आजादी की जो जंग है, इसमें हम कामयाब सफल हैं। उसमें हर एक व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण योगदान है और सब लोगों को मिलकर इस दिशा में जो निर्देश है उसका पालन। अभी आपने इस मॉक ड्रिल में देखा कि मल्टी एजेंसी का रोल है, हेल्थ का सबसे अहम रोल है, नगर निगम का रोल है, पुलिस है, प्रशासन है, आरटीओ के रोल हैं, ट्रैफिक का रोल है, इस तरह के बहुत सात आठ एजेंसीज के रोल हैं। सभी को अपने अपने रोल्स क्लियर होने चाहिए। अगर हम इसका रिहर्सल नहीं कराएंगे तो लोगों को अपना रोल क्लियर नहीं रहेगा। अब जैसे हम मान लें कि यहां पहुंच गए तो हमारे पास एक्सेस में एक मास्क होना चाहिए कि जो पेशेंट है या जो सस्पेक्ट है उसको भी हम कवर करें, उसको ले जाने में पूरी एहतियात बरतें। इस कारण से आज ये लॉकडाउन किया गया और ये मॉक ड्रिल किया गया है और इसमें और रिफाइनमेंट की आवश्यकता है। इसके बाद हम लोग अस्पताल में जाकर वहां क्या स्टेप्स लेते हैं उसके लिए, जहां तक रही बात ये मोहल्ले वासियों को, इनको मैं अनाउंस करवा करके ये सूचना दे रहे हैं कि इससे घबराने की बात नहीं है। ये हमारी बस एक ड्रिल थी, रिहर्सल थी, एक प्रैक्टिस हमने किया कि कल को मान लो कि कोई पॉजिटिव केस आ जाता है तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। कहीं न कहीं तो ये करना था, तो इसलिए ये किया गया है। किसी को डरने की बात नहीं है, किसी को। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886, 9770222999.